पूरे खेल के दौरान हम अपनी पत्नी को याद करते रहेंगे, क्योंकि आपका नाम है जया। तो जय शारदा पटेल जी, जो कि सिमगा छत्तीसगढ़ से हैं, ये हॉट सीट पर आ गई हैं। आजकल क्या कर रही हैं आप? सर पहले मेरी गिफ्ट शॉप थी, लेकिन अभी मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ। मैं नर्सरी से 10th क्लास तक के बच्चों को टीचिंग देती हूँ, जिसमें ICSE बोर्ड, CG बोर्ड और CBSE बोर्ड, तीनों बोर्ड शामिल है। बहुत अच्छी बात है। तो कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं आजकल आप? सर अभी मैं 100+ स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। वाह, क्या बात। तो कोई एक जगह है जहाँ पर आप उनको पढ़ाते हैं या उनके घर? सर घर पे ही मैनेज करते हैं। आपके घर पे? जी सर। कितना समय निकाल पाते हैं? सर मेरा क्लास मॉर्निंग 8 AM से रात के 8:30 PM तक कंटिन्यू चलता रहता है। 8 से लेकर 8:30 बजे रात तक कंटिन्यू। अपनी देखभाल के लिए समय निकाल पाते हैं कि नहीं आप? मम्मी कर लेती है मेरा देखभाल। ओके ओके। और वो आई हुई है आपके साथ आज, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। ओके जय जी, अब आपका ध्यान जो है खेल के ऊपर आ जाना चाहिए। रूल्स आपको हम नहीं समझाएंगे, वो तो आपको पता है। चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। ऑल द बेस्ट यू जय जी। थैंक यू सर। पहला प्रश्न, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। भारत में इनमें से क्या आम तौर पर उबाल कर बनाया जाता है? इन इंडिया विच ऑफ दीज ड्रिंक्स इज यूजली प्रिपेयर्ड बाई बॉइलिंग? ए टी, बी लेमनेड, सी आमरस या डी बटर मिल्क? चाय, शिकंजी, आमरस या छाछ? सर प्लीज लॉक ए चाय। ए चाय पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है। चाय? हाँ सर। किसका फेवरेट नहीं है, वो पूरा भारत जो है वो केवल चाय पीता है, है कि नहीं? है कि नहीं? ऑलराइट, ओके। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, 2000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। रेडी? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस छवि में विवाह की कौन सी रस्म जो है वो दिखाई गई है? एक तस्वीर दिखाएंगे आपको, उसी के आधार पर ये प्रश्न लगा है। Which wedding ritual is seen in this image? Can we see the image, please? देख लिया? जी। All right. विकल्प ये हैं आपके सामने। A. विदाई, B. हल्दी, C. सप्तपदी या D. वरमाला? सप्तपदी, वरमाला, हल्दी या विदाई? Please lock option B. हल्दी। भी हल्दी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हमारे ज्ञाननाथ जी है ना, ये अपनी टिप्पणी मारते रहते हैं, तो क्या बोल रहे हैं आपको हम सुनाते हैं कि शादी एक ऐसी चोट है जिसमें चोट से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। आते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर, आ गया है ये, इसके लिए मिलेंगे 3000 रुपए। जय शारदा जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अक्षय कुमार की इन फिल्मों का नाम पूरा करें। डैश इज किंग और डैश इज ब्लिंग। कंप्लीट द टाइटल्स ऑफ दीज अक्षय कुमार फिल्म्स। डैश इज किंग एंड डैश इज ब्लिंग। ऑप्शन रखूं? ऑलराइट, ये रहे ऑप्शन आपके सामने। ए चोपड़ा, बी सिंह, सी मेहरा, डी खन्ना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी सिंह। सिंह बी पे था लगाया जाए। यस इट्स द राइट आंसर। सिंह इज किंग 2008 में बनी थी और सिंह इज ब्लिंग जो है वो 2015 में बनी थी। दोनों फिल्में अक्षय कुमार की। चलिए आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। लैंडलाइन शब्द का प्रयोग आमतौर पर इनमें से किसके एक प्रकार को दर्शाने के लिए किया जाता है? द टर्म लैंडलाइन इज कॉमनली यूज्ड टू रेफर टू अ वर्जन ऑफ विच ऑफ दीज? ये ऑप्शन आएंगे आपके सामने। ए हेडफोन्स, बी माउस, सी टेलीविजन या डी टेलीफोन? हेडफोन, माउस, टेलीविजन या टेलीफोन? सर प्लीज लॉक डी टेलीफोन। डी टेलीफोन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। 5000 जीत गए, 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आ गया है छठा प्रश्न, 20000 रुपए के लिए। तैयार हैं? जी सर।
ये रहा वो अगला प्रश्न आपके सामने। अंग्रेजी में इनमें से किस जानवर के नर को टस्कर भी कहा जाता है? टस्कर, या इन इंग्लिश द मेल ऑफ विच ऑफ दीज एनिमल्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ टस्कर। ए एलिफेंट, बी लायन, सी क्रोकोडाइल, डी पीकॉक। सर प्लीज लोग ऑप्शन ए हाथी। ए हाथी के लिए कह रहे ताला लगा दिया जाए। ये सही उत्तर है। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंग्रेजी साहित्य में पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन इनमें से किसके उदाहरण हैं? इन इंग्लिश लिटरेचर विच ऑफ दीज आर पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन एग्जाम्पल्स ऑफ। ऑप्शन सुनिए। ए नॉवेल्स, बी ऑटोबायोग्राफीज, सी पोएम्स या डी शॉर्ट स्टोरीज। उपन्यास, आत्मकथाएं, कविताएं या लघु कथाएं। पैराडाइज रीगेन, पैराडाइज लॉस्ट, क्या हो सकता है? लाइफलाइन ले सकते हैं आप अगर आपको कष्ट हो रहा हो। लाइफलाइन। शांत हो जाइए मधुमती जी, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बचाइए जय शारदा जी को। और आपका समय शुरू होता है अब। सी को दिया है पोइम्स 62%। क्या कीजिएगा? ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। ऑडियंस के साथ जाना चाह रही। ऑलराइट, सी पोइम्स कविताएं, ऑडियंस कह रही सबसे ज्यादा प्रतिशत, लॉक किया जाए। वेल प्लेड द ऑडियंस इज राइट। एक व्यक्तिगत प्रश्न। जी सर। आप पहले से ही एक शिक्षक बनना चाह रही थी, टीचर बनना चाह रही थी, या आपके मन के अंदर कुछ और आशाएं थी? पहले मैं गिफ्ट शॉप की ओनर थी जिसको मैं कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन घर की स्थिति ऐसी बनी कि पापा जी की डेथ हो गई। उसके बाद फिर हमें शॉप क्लोज करना पड़ा, और शॉप क्लोज करने के बाद टीचिंग बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे नजर आया, इसलिए मैंने टीचिंग स्टार्ट की। जी जी। आप घर की सबसे बड़ी हैं? जी सर, मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ घर के। मेरी दो बहनें हैं। दो बहनें और हैं? जी। और उन सबकी देख रेख करती हैं आप? जी सर। सो नाइस। बहुत ही कम उम्र में आपने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जी सर। बहुत सारी आशाएं आप लेकर के आई हैं। जी सर। उनके बारे में बात कर सकेंगे? सर शुरू से हम रेंट के घर पे रहे हैं। हाँ। सबसे पहले तो अपना घर बनाना है यहाँ से जीती हुई धनराशि से। मम्मी हमेशा बोलती मेरे को मेरा खुद का बटन वाला घर चाहिए। जैसे पानी वानी चालू कराना रहता है या कोई भी काम रहता है ना, तो नीचे जो लैंडलॉर्ड है उनसे बोलना पड़ता है। तो मम्मी बोलती जो पंप का बटन है ना सर, वो नीचे है, तो उनको बोलना पड़ता है कि चालू कर दीजिए, तब चालू होता है। वो बराबर चलता नहीं है क्या? एक टाइमिंग में सुबह और शाम ऐसा, और बीच में अगर किसी गेस्ट वेस्ट आ गए तो उसके लिए पानी की जरूरत है तो वापस उनको बोलना पड़ता है। तो मम्मी उसी चीज को बोलती है कि नहीं मेरे को खुद का बटन वाला घर चाहिए। समझ में नहीं आया कि वो बोल रहे हमको बटन वाला घर चाहिए जिसमें मैं खुद अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकूं। साधारण बात है ये, देखिए कि हमको बटन वाला घर चाहिए। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों का भी देखभाल करना है, आगे उनकी पढ़ाई है वो भी कंप्लीट करना है, खुद की पढ़ाई भी आगे कंप्लीट करना है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं सर जो आज इस प्लेटफॉर्म से मैं पूरा करना चाहती हूँ। नहीं, हम आपकी बधाई, आपको बधाई देते हैं, तारीफ भी करते हैं आपकी कि आप ऐसा सोच रहे हैं। ये है 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस नेता ने 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? Which of these leaders did not attend the G20 summit held in New Delhi in 2023?
ऑप्शन देखिए, ए व्लादिमीर पुतिन, बी जो बाइडेन, सी ऋषि सुनक, डी जस्टिन ट्रूडो। हाल ही की खबर है ये। जी सर। बहुत ही प्रख्यात सम्मेलन हुआ था ये। सर मुझे ऑप्शन ए लग रहा है। ऑप्शन ए से लॉक कीजिए। ऑप्शन ए व्लादिमीर। कर दिया आपने मन में? जी सर। व्लादिमीर पुतिन ए कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। Well played is the right answer. All right. 3 lakh 20,000 rupees.